हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं, 10th सीबीएसई बोर्ड वाले, और जो 10th महाराष्ट्र बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और ये वीडियो है बेसिकली फॉर डेमो लेक्चर्स इन एएस ट्यूटोरियल्स। यानी एएस ट्यूटोरियल्स में फ्री डेमो लेक्चर्स होंगे और उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। नाउ आप सभी को पता है एएस ट्यूटोरियल के बारे में, हमारे रिजल्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब एएस ट्यूटोरियल्स को जाना जाता है बेसिकली टफेस्ट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, लाइक सीए एग्जाम, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स और जेईई नीट क्रैक करने के लिए। 11th 12th के टफ एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उसको क्रैक करने के लिए वी आर वेल नोन। सो वी आर हियर टू क्रैक फॉर यू द बेस्ट एग्जाम्स और टफेस्ट एग्जाम्स। सो हम क्या क्या ऑफर करते हैं ये आपको बता देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं। क्लास 11th 12th पढ़ाते हैं, जेई आईटी मेन्स एडवांस स्टेट लेवल एग्जाम्स अदर्स, ये सारी चीजें हम कवर करवाते हैं आपको। देन मेडिकल में भी 11th 12th नीट, ये सारी चीजें हम प्रिपेयर करवाते हैं। देन वी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर क्लास 7th 8th 9th एंड 10th फाउंडेशंस। फाउंडेशंस क्या होता है उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फाउंडेशंस बेसिकली जो बच्चे जेई और नीट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए स्मॉल छोटे लेवल से प्रिपरेशन होता है, तो उसके लिए ये पूरे एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनटीएससी। वो छोटे लेवल से यानी 7th स्टैंडर्ड से बच्चे का ब्रेन एकदम स्ट्रांग हो जाए उसके लिए ये फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं। और वो कोर्स भी हमारे एएस ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ाते हैं, और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विद इन अ वीक आपको बताने के लिए कि फाउंडेशन एग्जाम्स कितना इंपॉर्टेंट है फॉर इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल एज वेल एज द पर्सन परसुइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो। सो उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। दिस आर ऑल टफेस्ट एग्जाम्स बेसिकली। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नीट जेई बैचेस 23-25। जो बच्चे 25 में एग्जाम देने वाले जेई और नीट का, उनके लिए हमारा इंटीग्रेटेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इंटीग्रेटेड का मतलब आपको पता ही होगा कि यू हैव टू जस्ट कम टू क्लासेस एंड एंटायरली आपको सुबह से शाम तक यहीं पे प्रिपेयर करना है, ताकि आपको घर पे जाके सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिले। सो ये हमारी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। देन अब आपको बताया जाएगा कि हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर्स हैं और टीम है, बिकॉज बिना टीम के कोई भी जगह पे आपको अच्छा टीचिंग नहीं मिल सकता। सो वी हैव अ बिग एंड ग्रेट टीम, एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास, तो वो एक्सपीरियंस टीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास गौरव सर हैं, जो 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनके पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देन प्रोफेसर तुन्ना सर हैं, जो 3 सालों से काफी अच्छी मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एकदम बेसिक से डाउट क्लियर करते हैं। देन वी हैव प्रोफेसर सलाम खान, जो काफी एक्सपीरियंस हैं जेईई नीट पढ़ाने में, 7 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो ये आपके फिजिक्स के टीचर होंगे और ये बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं। और ये कैसा पढ़ाते हैं एक बार आपको आके देखना चाहिए, एंड आई बेट यू आप कहीं और जाओगे नहीं, 100% यू विल ज्वाइन। सो बिकॉज फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हो तो मजा ही आ जाता है। देन इन केमिस्ट्री वी हैव प्रोफेसर वैभव माने, इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। देन अदर टीचर वी हैव प्रोफेसर रामेश्वर मिश्रा, अगेन ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स, यानी एकदम माहिर टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, बहुत ही मैटर करता है। अगर आप कोई फ्रेशर टीचर से पढ़ते हो जिनका एक्सपीरियंस 1 साल है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, और ये आपके करियर का सवाल है, इसलिए एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए। और मैं बोल रहा हूँ डेमो लेक्चर्स आप बैठिए, ताकि आपको पता चले ये कैसे पढ़ाते हैं, और अगर आपको मजा आया पढ़ने में, अच्छा लगा, तो आप ज्वाइन कीजिए, उतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बायोलॉजी वन इन वन ओनली प्रभात सिंह। अब बायोलॉजी में जो भी नीट करना चाहते हैं, मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूं, अगर 360 मार्क का नीट का पेपर आ रहा है, तो ये प्रभात सर आपको आराम से 340 330 दिलवा देंगे,
फ्रॉम 360 मार्क्स बायोलॉजी, बिकॉज 50% नीट का पेपर बायोलॉजी का होता है, इसीलिए ये टीचर ऐसा है कि आपको इजीली 330 340 तक लेके जाएगा बायोलॉजी में, बाकी सब्जेक्ट्स में प्लस करके आप 500-600 तो क्रॉस कर ही सकते हो, सो यू कैन गेट सिलेक्टेड। देन अदर सब्जेक्ट्स मैथ्स जो जेई के लिए होता है, सो उसमें अमित रंजन सर हैं, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर, ही इज अ वेरी वंडरफुल टीचर। देन प्रोफेसर चंदन सिंह है, इनको भी काफी एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी आपको बोर्ड्स में कौन सा सम कहां से आएगा सब कुछ बता सकते हैं इजीली। सो दिस आर द टू टीचर्स जो आपको मैथ्स में एकदम स्ट्रांग बना देंगे और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा इनके लेक्चर्स बैठोगे तो आप। देन वी हैव लाल सर इन मैथ्स, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स। देन वी हैव धीरज सर हु ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स इन मैथमेटिक्स, आपको बहुत ही अच्छा टीचिंग मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स जरूर बैठिए ताकि आपको पता चले कि भाई क्या किधर चल रहा है, बिकॉज आप एक ही जगह जाके अटक जाएंगे कोई भी कोचिंग क्लास में और आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ऑप्शंस तो आपको प्रॉब्लम होगी। यू एक्सप्लोर द ऑप्शन, यू अटेंड एवरी डेमो लेक्चर्स ऑफ एवरी क्लासेस जो भी दे रहे हैं, तो उनके लेक्चर्स आप अटेंड कीजिए और जो बेस्ट लगे उसको लीजिए। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के अलावा एक मोटिवेटर जो आपको हर टाइम मोटिवेट करते रहे, एवरी टाइम, यानी हर 15-20 दिन में आपके पास मोटिवेशन करने को आए, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े, आपके पढ़ाई में मन लगे और आप एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेटर, हु इज अमित शर्मा। मैं खुद आपको हर बार आकर मोटिवेट करूंगा और 100% आपका जो पढ़ाई में मन है वो 100% लगेगा और कोई भी कारण आपका मन में भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ में मोटिवेशन बहुत ही रहा है, कोई ना कोई टीचर जो मोटिवेट करता है वो हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। तो आपके भी लाइफ में अगर कोई एक मोटिवेटर आ जाता है तो 100% रिजल्ट आपका बढ़ने ही वाला है। बहुत सारे हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो बच्चा 50% 10th में ला रहा है और 12th में उसका 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ऐसे काफी रिजल्ट दिए हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। सो मोटिवेटर इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर स्टडीज, बिकॉज स्टडीज बहुत ही डिफिकल्ट लगता है हमको, तो इसके लिए आपको एक मोटिवेटर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, उठो जागो, उठो जागो और तब तक ना रुको, और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इसलिए आपको आज ही उठना है और जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपके माइंड को सेट करना है कि मुझे जिस भी दिन इस ट्यूटोरियल में डेमो लेक्चर स्टार्ट होगा उस दिन से मुझे हर टीचर के लेक्चर अटेंड करने हैं, और टीचर के लेक्चर अटेंड करने के बाद डिसाइड करना है मुझे क्या करना है, बिकॉज आप अटेंड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन आपके लाइफ में। मोटिवेटेड रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, बिकॉज मोटिवेशन आपके माइंड को किक करता है आगे बढ़ने के लिए, तो मोटिवेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप इस बात को ध्यान में रख लोगे तो पक्की बात है कि आप लाइफ में कभी रुकोगे नहीं, और जहां भी आपको थोड़ा भी डिमोटिवेट फील होता है अगर आपके सामने मोटिवेटर होगा तो पक्की बात है आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। आप सब्जेक्ट में वीक रहो चाहे स्ट्रांग रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मोटिवेशन मिलेगा तो 100% आप आगे बढ़ोगे। देन 11th एंड 12th साइंस सीबीएसई के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, देन मैथ्स है, देन बायोलॉजी है, ये सब बच्चों को जब आते हैं बच्चे 11th में तो डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज सीबीएसई थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी, लेकिन अच्छे टीचर्स मिलेंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मजा आएगा। देन नाउ हियर कम्स वी कम्स विद डेमो लेक्चर का डेट। सो द फ्री डेमो लेक्चर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 2nd June 2023, यानी 1-2 दिन में लेक्चर, फ्री डेमो लेक्चर स्टार्ट होगा और पूरे 1 वीक हम आपको फ्री डेमो लेक्चर दे रहे हैं। 1 लेक्चर नहीं 2 लेक्चर नहीं 3 लेक्चर नहीं, पूरे 7-8 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि भाई टीचर्स यहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और रिजल्ट सब कुछ बताता है कि टीचर्स यहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, और पूरी तरीके से आपके पीछे लग जाएंगे पढ़ाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेमो लेक्चर्स की बात करें कौन से टाइम पे डेमो लेक्चर्स रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग जो रहेगा पहले दिन का, जो सेकेंड जून है, उस दिन का टाइमिंग डेमो लेक्चर्स का रहेगा 10 AM
10 बजे आपको एएस ट्यूटोरियल पहुंच जाना है और 1.5 घंटे का लेमो लेक्चर होगा फर्स्ट डे, देन आपको आगे का टाइम टेबल बताया जाएगा। तो 10 बजे कौन सी तारीख को, 2 जून आपको आ जाना है एएस ट्यूटोरियल्स, जहां पे आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे और आप एक बार अटेंड करके देखिए, पक्की बात है आप कहीं भी दूसरी टीचर्स का आपको लेक्चर जमेगा ही नहीं, इतना पक्का है, बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन टीचर्स, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, इसीलिए रिजल्ट अच्छा आता है। आप 10 लोगों को पूछ लीजिए एएस ट्यूटोरियल का रिजल्ट, या आप वेबसाइट पे जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन यू कि 2 जून को फ्री डेमो लेक्चर अटेंड करिए, फ्री है ना भाई, क्या जा रहा है, आके बैठिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, और 10 दिन का डेमो लेक्चर कोई नहीं देता है। अगर हम कॉन्फिडेंट है हमारे बारे में तो ही हम दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे आओगे डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है कि सर एएस ट्यूटोरियल में बहुत ज्यादा बिठाते हैं, पढ़ाते हैं। अरे भैया, बैठोगे तो ही रिजल्ट आएगा, आप कहीं जाओगे 1 घंटा बैठोगे और आप सोचोगे मेरा रिजल्ट आएगा तो नहीं आएगा। तो मेरा कहना एक ही है, तपना तो पड़ेगा, अगर आप तपोगे तो ही आप अच्छे बनोगे, बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, तो वही है, अगर आपको पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाना है तो थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा और हम जो पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा करवाते हैं उस पे ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग अबाउट द डेमो लेक्चर्स, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जून एंड लेक्चर शेड्यूल हमारा साल भर का इस तरीके से रहता है। अगर आप आगे चल के क्लासेस डेमो लेक्चर के बाद ज्वाइन कर लोगे तो 3 घंटे का डेली लेक्चर रहता है, संडे को हम लोग 3 घंटे का लेक्चर रखते हैं, साथ में एक टेस्ट रखते हैं, देन संडे या हॉलीडे कोई भी दिन होगा तो कम से कम 5 आवर्स का लेक्चर्स रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल फॉलो करोगे आप तो डेफिनेटली आपके 12 साइंस में 11 साइंस में रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, पक्की बात है, क्योंकि पढ़ने को टाइम चाहिए, बिना टाइम दिए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी ऑल्सो कंडक्ट टेस्ट एवरी संडे, टेस्ट के साथ 2 घंटे का लेक्चर भी होता है, देन आपको पेपर करेक्शन करके भी मिलता है, देन आपके पेपर के मार्क्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेजेस आएंगे जिससे आपको पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस क्या है, कितना परफॉर्मेंस कर रहे हो आप, कैसा कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट करना है, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते, ये पक्की बात है, मेरी हर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है इतने सालों का, कि मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं। अगर आप पूछोगे किसी 49% वाले बच्चे को 80% आता है, 58% वाले बच्चे को 91% आता है, तो इट इज नॉट ए इजी थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कब कर सकता है कब नहीं कर सकता। तो मेरे सारे जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए और हर एक बात पे अमल करना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ अगर हम बात करें ये डेमो लेक्चर्स की, तो आप इन डेमो लेक्चर्स को कोई भी हालत में अटेंड करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए डेमो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, और अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं तो वी ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप भी देते हैं, बस एक बार लेक्चर अटेंड करिए, कहीं भी बिना डेमो लेक्चर के एडमिशन मत लीजिए, 3-4 जगह जाइए डेमोज में अगर डेमो आपको कोई दे रहे हैं तो, क्योंकि डेमो वही देंगे जिनमें कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे हम बेस्ट पढ़ाते हैं, और इतनी बड़ी टीम आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, 100% आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस करने के बाद में अगर आपको नहीं जमे तो कोई बात नहीं, बट आई एश्योर यू ऐसे टीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। सो डेमो लेक्चर अटेंड कीजिए नेक्स्ट 7 डेज, देन यू डिसाइड वेयर टू ज्वाइन वेयर नॉट टू ज्वाइन। सो नाउ आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से इन डेमो लेक्चर्स को अटेंड करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप 100% रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लाओगे, बिकॉज मैं आपके साथ हूं, मेरे टीचर्स आपके साथ है, मेरी पूरी टीम आपके साथ है जो आपको रिजल्ट देने में मदद करेगी। थैंक यू।